सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी एडुकेटर उषा रानी एसआर बीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का पाठ 4 गुलीवर की यात्रा। पाठ पढ़ने से पहले देखिए बच्चों, विश्व में अनेक देश हैं। प्रत्येक देश के लोगों की अपनी अलग अलग वेशभूषा, खान पान, रंग रूप, भाषा आदि होती है। तो यह पाठ हमें यह बताता है कि हमें अपनी मातृभाषा के अलावा भी अन्य कई भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम उनका प्रयोग कर सकें। पाठ परिचय में देखिए, प्रस्तुत पाठ में लेखक गुलीवर की विचित्र यात्रा का वर्णन कर रहा है। इस पाठ में विचित्र यात्रा का वर्णन किया गया है गुलीवर की। गुलीवर नाम का एक व्यक्ति होता है, वह जहाज़ पर काम करता है और एक बार उसके साथ क्या होता है कि तूफान आता है और वह किसी अन्य देश में पहुंच जाता है। तो वहां पर उसके साथ बहुत ही अलग अलग तरह का अनुभव वह वहां पर महसूस करता है, तो उसी अनुभव को यहां पर व्यक्त किया गया है। चर्चा के अंतर्गत देखिए, जब आप किसी अन्य देश में भ्रमण करने जाते हैं और आपको उस देश की भाषा का ज्ञान नहीं होता, तो आपके साथ क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं आपस में चर्चा कीजिए। यानी अगर आपको किसी देश की अन्य किसी देश की भाषा नहीं आती है, तो आपके साथ किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, ये भी आपको इस पाठ में देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। गुलीवर जहाज पर काम करता था, उसे यात्राएं करना अच्छा लगता था। हमेशा की तरह इस बार भी वह नए सफ़र पर निकला। सफ़र मतलब अपनी यात्रा। अचानक तूफान में उसका जहाज़ फंस गया। सभी यात्री समुद्र में डूबने लगे। गुलीवर किसी तरह किनारे पहुंचा। वह बहुत थक गया था, इसलिए वह वहीं ज़मीन पर सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप को पतले पतले धागों में बंधा हुआ पाया। उसके अचरज की सीमा न रही। अचरज मतलब हैरानी। जब उसने देखा कि उसकी छाती पर लगभग 6 इंच का एक आदमी खड़ा था। इतना छोटा आदमी उसने पहली बार देखा था। ये यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। गुलीवर को इन छोटे छोटे आदमियों ने पतले पतले धागों में बांधा हुआ है और ये व्यक्ति इसकी छाती पर यहाँ पर बैठा हुआ है। आगे देखिए, कुछ देर बाद उसी के जैसे छोटे छोटे लगभग 40 आदमी उसके शरीर पर चढ़ गए। उसका नेता हाथ में तीर कमान लिए हुए था। गुलीवर ने जोर से एक चीख मारी, जिसे सुन वे सब भाग खड़े हुए, किंतु थोड़ी ही देर में वे सब फिर इकट्ठे हो गए। उनमें से एक ने अपना हाथ ऊपर उठाया और जोर से चिल्लाया, हे की ना दे गुल। उसके सभी साथियों ने इसी आवाज़ को दोहराया। गुलीवर की समझ में कुछ न आया। उसने उठने की कोशिश की और वे धागे टूट गए जिनसे उसे बांधा गया था। गुलीवर की समझ में आ गया था कि जिन्हें वह धागे समझ रहा था, वास्तव में वे उस जगह की रस्से थे। जैसे ही गुलीवर उठकर बैठा, उस पर तीरों की बौछारें होने लगी। तीर इधर उधर से तीर उस पर मारे जाने लगे। वे तीर उसे सुई की भांति पीड़ा दे रहे थे। अंत में गुलीवर ने हार मानने का अभिनय किया, यानी उसने दिखाया कि उसने हार मान ली है और फिर से लेट गया। यह देख सभी छोटे कद वाले आदमी बड़े खुश हुए। उन्होंने तीर बरसाना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद गुलीवर के पास ही उन लोगों ने एक मंच बनाया। उस पर एक व्यक्ति भाषण देने लगा। गुलीवर को विश्व की अनेक भाषाएं आती थी, किंतु इन बोनों की भाषा बिल्कुल अलग थी, इसलिए वह समझ न सका। गुलीवर को बड़ी जोर की भूख लगाई थी। यह बात उसने अंग्रेजी में बोलकर समझानी चाहिए, पर वहाँ यह भाषा समझने वाला कोई नहीं था। हार कर इस बात को उसने संकेतों से उन लोगों को समझाया। उसकी बात समझते ही वे लोग टोकरे भर भर कर खाद्य सामग्री ले आए। खाद्य सामग्री मतलब खाने का सामान। उस देश के हिसाब से यह सामग्री सैकड़ों व्यक्तियों के लिए पर्याप्त थी मतलब काफ़ी थी, लेकिन गुलीवर के लिए मात्रा बहुत अधिक नहीं थी। जब गुलीवर ने भोजन करना बंद किया, तो वहाँ के लोगों ने खुशी के मारे तालियां बजाई। खाना खाने के बाद गुलीवर को नींद आने लगी।
जैसे ही वह खर्राटे भरने लगा इसके सॉरी जल्दी ही वह खर्राटे भरने लगा। इसके बाद वह कई घंटे सोया क्योंकि उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी गई थी। वहां के निवासी बड़े अच्छे गणितज्ञ थे। गणितज्ञ होते हैं गणित की अच्छी जानकारी रखने वाला व्यक्ति। वे लोग जहाज बनाने में भी बड़े निपुण थे। बड़े बड़े जहाज बनाकर वे विशेष गाड़ियों में लादकर जहाजों को समुद्र तक ले जाते थे। ऐसी ही एक गाड़ी में बेहोश गुलीवर को लादा गया। इस काम में 4 घंटे लगे। 500 सैनिकों ने गुलीवर की चौकसी की यानी उसकी निगरानी की। उन्हें भय था कि कहीं यह भीमकाय मतलब विशालकाय बहुत बड़े शरीर वाला आदमी जागने पर भागने की कोशिश न करे, इसलिए उसके पैरों में जंजीरें बंधवा दी गईं। गाड़ी को खींचकर राजमहल तक लाया गया। वहां स्वयं राजा ने गुलीवर की आगवानी की यानी गुलीवर का वहां पर स्वागत किया। गुलीवर को वहां पर देखा, उन्होंने इशारों में गुलीवर से बात की। इसके बाद राजा ने गुलीवर को वहां की भाषा सिखाने के लिए एक विद्वान नियुक्त किया। कुछ दिनों में गुलीवर को वहां की भाषा का काम चलाऊ ज्ञान हो गया। अब उसके लिए राजा तथा अन्य व्यक्तियों से बात करना आसान हो गया। राजा ने उसके पैरों की जंजीरें खुलवा दी। एक दिन राजा ने गुलीवर से कहा, हमारे पड़ोसी देश बलेफ्स्कू के सम्राट ने बहुत शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वह जल्दी ही हमारे देश लिलीपुट पर आक्रमण करेगा। तो जो गुलीवर है वह किस देश में आकर फंस गया था? लिलीपुट में। ठीक है, गुलीवर ने कहा, आप चिंता न कीजिए, मेरे रहते कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसके बाद वह तट के पास की पहाड़ी पर चला गया। अपने टेलीस्कोप से उसने देखा, टेलीस्कोप क्या होता है, दूरबीन से, कि शत्रु देश ने 50 से भी अधिक जहाज खड़े कर रखे हैं। गुलीवर ने 60 रस्से तैयार किए और इतने ही कांटे लगे मोटे तार भी बनाए। इस सामग्री को लेकर वह ब्लेफ्स्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। खाड़ी में घुसकर उसने वहां खड़े शत्रुओं के सभी जहाजों को कांटों में फंसा लिया। इसके बाद सबको रस्सों से बांध दिया। फिर रस्सों को खींचता हुआ वह लिलीपुट की ओर चल दिया। ब्लेफ्स्कू के सैनिक उसके भीमकाय शरीर को देखकर दंग रह गए। उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल न हुए। लिलीपुट के राजा अपने नए मित्र से बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद गुलीवर ने राजा से स्वदेश जाने की अनुमति मांगी, अनुमति आज्ञा और स्वदेश अपने देश। राजा ने सहर्ष होता है खुशी अनुमति दे दी। उसके लिए एक विशाल जहाज बनाया गया। ढेर सारी खाद्य सामग्री और जरूरत का अन्य सामान भरकर राजा ने उसे विदा किया। गुलीवर अपने देश लौटकर बहुत खुश हुआ। ये कहानी थी जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित। तो बच्चों, आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, गुलीवर की यात्रा की कहानी। गुलीवर की तरह ही आप लोगों को भी अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम इनका प्रयोग कर सकें। तो आप इसे ध्यानपूर्वक दोबारा पढ़िए। अगर कोई कठिन शब्द है तो उसे रेखांकित कीजिए और कक्षा में उसे पूछिए। ओके, धन्यवाद।